हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MTAR टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ट्विटर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे आप अपने क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है, कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट लाइव मार्केट में होता है या बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका कि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, उनका अपडेट आपको इन सभी जगहों पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग जो है उन तीनों जगह पे कनेक्ट हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग MTAR टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक शानदार तेजी हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। स्टॉक फ्राइडे के सेशन में 10% की तेजी के साथ अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। इस पूरे वीक का कारोबार अगर देखेंगे तो पूरे वीक में स्टॉक जो है तकरीबन 20.5% के तेजी के साथ 2700 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 460 पॉइंट का एक शार्प मोमेंटम हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला है। तेजी के पीछे का वजह क्या है? तेजी के पीछे का वजह है जो रिसेंटली आपको चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, और साथ ही साथ आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ, इन सभी जो स्पेस मिशन है इसमें MTAR का भी काफ़ी आपको अहम योगदान रहता है। साथ ही साथ MTAR को अब डिफेंस सिस्टम के प्रोडक्शन के लिए भी लाइसेंस मिल गया है, हम लोग उस बात को भी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक तकरीबन 28% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 66% के तेजी के साथ 1 ईयर के हाई पे ट्रेड कर रहा है। चलिए बात करते हैं जो रिसेंटली हम लोगों को एक बड़ा तेजी देखने को क्यों मिला है। तो यहाँ पे रिसेंटली हम लोगों को एक बड़ा तेजी इसलिए देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम इन द डिफेंस सेक्टर। तो कंपनी को एक आपको डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिल गया है, जिसके थ्रू काफ़ी सारा प्रोडक्शन जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, जो कि आपको यूज होता है सबमरीन में या फिर रॉकेट में या फिर आपको डिफेंस सेक्टर में यूज होता है, उन सभी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही और जो कंपनी को इससे फ़ायदा होने वाला है, जहां कंपनी जो है अलग अलग MNC के साथ टाई अप करके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, और इसी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन, अपग्रेडेशन, स्पेशल नवल इक्विपमेंट, और साथ ही साथ जो है आपको सबमरीन में जो आपको प्रोपल्शन सिस्टम होता है, इन सभी चीज़ों को अब डिजाइन कर सकती है, साथ ही साथ जो है मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो जितना ज़्यादा कंपनी के पास पोर्टफोलियो होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, उतना ही ज़्यादा जो है कंपनी को ऑर्डर मिलने का भी चांस रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 2020 से 2023 तक जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो 50% से ज़्यादा के CAGR से बढ़ा है। ऑलमोस्ट आपको 1200 करोड़ का ऑर्डर जो है ऑलरेडी पेंडिंग है MTAR के पास, तो एक अच्छा ऑर्डर बुक है, और धीरे धीरे कंपनी और एग्रेसिव एक्सपेंशन भी कर रहा है। चलिए चार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2021 में IPO आया था, उसके बाद से लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। स्टॉक में लिस्टिंग के बाद से डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक स्लगिश मोमेंटम देखने को मिला, बट उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ हम लोगों को यहाँ पे जो देखने को मिला, उसके बाद से स्टॉक में एक शानदार तेजी दिखा। स्टॉक ने पहले 2500 का हाई लगाया, वापस से करेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हुआ, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक जो है 1500 से 1750 के रेंज में एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और उसके बाद एक शानदार तेजी इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अभी अगर करंट लेवल पे बात करेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे स्टॉक ने स्टॉक में एक अच्छा फॉल हुआ, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक बेस बनाया और अब जो है स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। कभी भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है, जो टारगेट होता है वो होता है इस पैटर्न का डेप्थ। यहाँ पे अगर हम लोग डेप्थ की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का डेप्थ है। इस 1300 पॉइंट को अगर ऊपर की साइड हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो 3800 3850 का टारगेट आता है। तो स्टॉक का टारगेट काफ़ी बड़ा है, तो इस स्टॉक को हम लोग अभी और होल्ड कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है वो लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड करके रखेंगे, और अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो इस स्टॉक में आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। करेंट लेवल पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। नीचे की साइड में एसएल जो है वो आप 2100 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे प्लेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का आपका रिस्क है, लेकिन ऊपर की साइड में 1200 1300 पॉइंट का आपको एक बड़ा टारगेट भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कीजिए, फ्रेश पोजिशन भी करेंट लेवल पे बना सकते हैं। एक अच्छा सेटअप इस स्टॉक में हम लोगों को टेक्निकली भी देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।